आयशा, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में जिससे हम PCOS का मुकम्मल खात्मा कर सकते हैं। PCOS या PCOD एक डिजीज है, एक सिंड्रोम है। और अब मुझे अफसोस ये होता है कि क्लिनिक में पहले खवातीन आती थी, अब वो अपनी बेटियों के साथ आती है। और ये इस कदर वबा की सूरत में फैलता ही जा रहा है और इसका शिकार हर अफराद बल्कि हर घर में ऑलरेडी ये मौजूद है और वक्त के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है इसकी? सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि हम अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज ही नहीं करते और ना करना चाहते। खवातीन का इस्तेमाल ज़्यादातर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ नहीं होता, वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की तरफ रहती हैं। फिजिकल एक्टिविटी उनके अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करती है। जेनेटिक्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको हम डायग्नोस करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं, कई कई महीने तक जो है साइकिल्स आते ही नहीं है या स्पॉटिंग हो रही होती है, मेंसेस बिल्कुल गायब होना शुरू कर देते हैं, हो जाते हैं। और उस वक्त बहुत मायूस किन सूरत हाल हो जाती है जब शादी को कई साल गुजर जाते हैं और औलाद की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही होती है और तब वो शादीशुदा जोड़ा हमारे पास आता है। अगर ये खवातीन अपने वज़न को कम कर लेती हैं किसी भी तरीके से, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करते हुए, तो यकीन करें कि वो PCOS से, PCOD से बहुत बेहतर तरीके से छुटकारा हासिल कर लेती हैं। यानी कि लाइफस्टाइल को बेहतर करना ही इसका एक बेहतरीन तरीकेकार है। वरना क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जितना कार्बोहाइड्रेट आप अपनी डाइट में बढ़ाते चले जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और वेट गेन की वजह से डायबिटीज भी बहुत जल्दी जन्म ले लेती है फैमिलीज के अंदर। आज हम शेयर करेंगे एक बेहतरीन डाइट प्लान आपके साथ और उससे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने इतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है। और इनफर्टिलिटी जिन कपल्स में थी, कुछ अरसे के बाद वो आए और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलाद हुई। उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की, थैंक यू सो मच। उनकी दुआओं से मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्रेकफास्ट से। देखें, इसमें PCOS में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपने ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना होता। पानी हमेशा नीम गर्म इस्तेमाल करना होता है। आप अपने शुरू की यानी कि सुबह की जो शुरुआत है, मेथी दाना के पाउडर के साथ 1 टीस्पून यानी 1/2 टीस्पून उसको सीरियल में भी डाल के कर सकते हैं, या फिर मेथी दाना को रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह के वक्त निहानू इसका पानी इस्तेमाल कीजिए। ब्रेकफास्ट में 3 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी होती है, या आप पनीर का इस्तेमाल कीजिए, या 2 एग्स का इस्तेमाल कीजिए, या फिर सीरियल का। ये चीज़ आप जहन में रखें कि चाय इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं करती। अगर आप वाकई टी लवर हैं तो फिर उसमें हल्दी के साथ आप चाय इस्तेमाल करें PCOS के अंदर, PCOD के अंदर। मिड मॉर्निंग के अंदर आप एक फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर फल आप PCOS में नहीं खा सकते। आप एप्पल का इस्तेमाल कर लें या नाशपाती का इस्तेमाल कर लें, आम और केले का इस्तेमाल, अनार का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिए। लंच के अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि उससे पहले आप एक ड्रिंक लें। हम एक बहुत बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक, डैन डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं। ये 9 हर्ब्स से हम बनाते हैं। जिन लोगों का सीरम इंसुलिन लेवल बहुत बढ़ा आता है उनको मैं कहती हूँ कि इसके अंदर मोरिंगा जूस भी ऐड कर लें। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को डिटॉक्स ड्रिंक से बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे हॉर्मोन्स बहुत अच्छे बैलेंस होते हैं, उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत अच्छा कम होता है। तो जो लोग इसको मंगवा सकते हैं वो हमसे ऑनलाइन भी इसकी डिलीवरी हासिल कर सकते हैं, वरना जो हर्ब्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप इसको हासिल करें और अपने पास ग्रो भी आप कर सकते हैं मोरिंगा को। तो इस टाइम पे यानी कि मिड मॉर्निंग के टाइम पे आप मोरिंगा जूस जो है ज़रूर पिए फ्रूट के साथ। लंच में आपने सैलेड की एक भरी हुई प्लेट ज़रूर लेनी है, बोल ऑफ सैलेड लें और ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी है। देखिए, ब्रोकली भी आजकल सस्ती हो गई, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कैबेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूकम्बर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टाइम पे आप दालों का जितना इस्तेमाल करें PCOS के लिए बहुत अच्छा है। बीन्स लें, लेंटल्स लें और बहुत अच्छा करें। शाम के टाइम पे आपने वर्कआउट करना है और पोस्ट वर्कआउट आप वे प्रोटीन का 1 कप ले सकते हैं, प्रोटीन शेक भी आप ले सकते हैं। जो लोग स्नैक खाने के शौकीन हैं उसमें होममेड स्नैक्स का इस्तेमाल करें। होममेड क्रैकर्स ले लिए या उन्होंने होममेड बिस्किट ले लिए, लेकिन बस
बाजार का पिज्जा या बर्गर पीसीओएस में बिल्कुल ना लें, उससे उनके इंसुलिन लेवल्स बढ़ेंगे और डायबिटीज की तरफ वो जा सकते हैं। डिनर इसमें अर्ली करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ही कैलोरीज को खत्म करना इसमें नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल अगर आप कैलोरीज को खत्म कर देंगे तो वो सारी कैलोरीज बहुत परेशान हो जाती हैं और वो स्टोर हो जाती हैं फैट के फॉर्म में। आपका बेली फैट भी इसमें बढ़ सकता है। 7 o'clock अगर आप डिनर कर रहे हैं, उसमें आप एक कप दलिया ले सकते हैं, आप एक पतली चपाती ले सकते हैं। उस पतली चपाती को आप 100 या 150 ग्राम प्रोटीन के साथ ले लें, या फिर आप उस पतली चपाती को 4 tablespoon योगर्ट के साथ इस्तेमाल कर लें। इस टाइम के बाद आपने एक बेड टाइम ड्रिंक लेना है। उस बेड टाइम ड्रिंक की आप इंग्रेडिएंट्स को बहुत गौर से समझ लीजिए। उसमें फेनल यानी कि सौंफ, दालचीनी होनी चाहिए, इलायची होनी चाहिए और अश्वगंधा। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हम वजन आपने 2 cups ऑफ वाटर के अंदर पकाना है और 1 glass पी के सोना है। इस डाइट प्लान को इस्तेमाल करते हुए मेरे क्लाइंट्स को PCOS यानी कि PCOD में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ है। साथ में आपने वर्जिश करनी है और अपने इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करना है, और आपको भी इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपनी राय से जरूर हमें आगाह करिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।